चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, रामू की समझदारी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो ध्यान से सुननी है, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा वो सबके आपको क्या देने हैं, आंसर्स देने। स्टार्ट करूं? एक रामू एक बच्चा है जो कि बाजार में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, बाजार में कुछ रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई होती हैं, जैसे आप ऋषिकेश जाते हो तो ऋषिकेश में भी कुछ दुकानें क्या होती हैं, सजी हुई होती हैं। आगे चलकर उसे एक हलवाई की दुकान दिखती है। हलवाई मतलब मिठाई वाला, वेरी गुड। मिठाइयों से प्रभावित होकर वह रुक गया और वहां रखी मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेने लगा। आप जब मिठाई की दुकान में जाते हो तो कोई स्मेल आएगी, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयां रखी हो तो अलग अलग टाइप की स्मेल आती है, सुगंध आती है। कुछ समय बाद हलवाई ने उसको टोका, तब रामू को होश आया। अब जब वो क्या कर रहा है, दुकान में गया और सूंघ रहा है चीज़ों को, तो हलवाई ने क्या बोला कि तुम क्या सूंघ रहे हो, ये यहाँ हलवाई की दुकान, क्या हलवाई की दुकान में आप जाओगे तो सूंघोगे क्या वहाँ चीज़ों को, वहाँ क्या करोगे, खरीदोगे, वेरी गुड। अब हलवाई ने उससे पैसे मांगे, पहले पैसे दो तब और तब यहाँ से जाओ। रामू ने हैरान होकर पूछा, तुम किस बात के पैसे मांग रहे हो, जबकि उसने कुछ खाया नहीं। वो क्या कर रहा है, सिर्फ वहाँ खड़ा ही हुआ था, लेकिन हलवाई क्या बोल रहा है उसको कि अब तुम मुझे पैसे दो, और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तब तक तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। ठीक है, हलवाई ने कहा, तुमने जो यहाँ खड़े होकर सुगंध द्वारा मिठाई का आनंद लिया है, ये उसके पैसे हैं। मतलब जो तुमने यहाँ पर मिठाइयों की क्या ली है, खुशबू, सुगंध, सुगंध सूंघी, मतलब उसके भी हमको क्या कर दो, पैसे दे दो। इस पर रामू ने कहा, यह तो बहुत गलत बात है, क्या कोई सुगंध के भी पैसे देता है, सुगंध के पैसे होते हैं क्या? इस पर हलवाई पैसे के लिए जिद करने लगा। उसी समय रामू के दिमाग में एक बात सूझ गई। ठीक है, अब रामू के दिमाग में क्या बात सूझ गई होगी, कोई बच्चा बता सकता है क्या क्या होगा उसने? सर वो फूल लाया होगा। हैं? फूल। वेरी गुड, हो सकता है फूल लाया हो, चलो, लेकिन उसने तो जाना ही नहीं है ना वहां से। और कोई आइडिया? हाँ, चलो ये भी हो सकता है कि मिठाई ली होगी फिर पैसे दिए होंगे, और क्या हो सकता है? सर वो कहेगा कि मेरे घर पे पैसे हैं तो मैं बिगड़ जाता हूँ तो पैसे लेके आता। चलो ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? चलो आगे आगे सुनाता हूँ मैं। ठीक है, उसके दिमाग में एक बात सूझ गई। तभी रामू ने अपनी हाथ जेब में डाला और कुछ रेजगारी बजानी शुरू कर दी। रेजगारी पता है आपको? रेजगारी का मतलब होता है जो सिक्के होते हैं ना हमारे पास, जिसको हम वैसे घर में नहीं बोलते, खिरचे, खिरचे भी बोलते हैं ना, जो सिक्के सिक्के होते हैं घर में उसको खिरचे बोलते हैं, जो आपके गुल्लक में भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेजगारी, मतलब जो पैसे हैं, जो सिक्के हैं। तो उसके जेब में जो सिक्के थे उसने क्या कर दिया, उनको क्या कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। हलवाई ने फिर कहा, मेरे पैसे दीजिए। हलवाई ने क्या बोला कि अब तुम मेरे पैसे दे दो। तब रामू ने कहा, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। तो कैसे दिए उसने पैसे उसे? हाँ, उसने बजाई ना, उसने बजा दिए पैसे। हलवाई ने कहा, कैसे? इस पर रामू बोला, अगर सुगंध लेने के पैसे हो सकते हैं तो रेजगारी की आवाज सुनने को भी पैसे ही देने के बराबर माना जाएगा, है ना? जब हमने मिठाई नहीं दी, सुगंध सूंघे के पैसे मांग रहे हो, तो मैं भी बजा दिए मैंने पैसे, या मैंने आपको नोट दिखा दूंगा कि लो देख लो, तो हो जाएंगे पैसे। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछूं मैं? सबसे पहले बताओगे, रोहित बताएगा, खड़े उठो। ये जो कहानी है ना, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, बताओ बताओ। कि जो चीज हम खरीदते नहीं है उसके पैसे नहीं लगते। ओके, बैठो। और हमें ऐसे समय में अपना दिमाग दौड़ाना चाहिए। वेरी गुड, ये सबसे बेस्ट आंसर है इसका, कि हमें क्या होना चाहिए, जब हमारे को दिमाग की जरूरत हो तब हमको अपना दिमाग चलाना चाहिए, दौड़ाना चाहिए। ठीक है, और क्या शिक्षा मिलती है इससे, बताओ? जैसे इंसान का स्वभाव हो वैसे ही क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, मतलब जैसे को तैसा। और किसी के साथ, अब अगर हम हलवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हलवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से यह होता है कि किसी के सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ओवर स्मार्ट, क्योंकि हो सकता है दूसरा बंदा तुमसे भी तेज निकले, जैसे कि वो बच्चा उससे तेज निकला ना, तो उसने भी बोला कि तुम सुन लो मेरी आवाज, ये पैसों की आवाज। ठीक है, क्लियर है?